एनएसजी कमांडो और सेंट्रल जांच एजेंसियां एक मिशन पर निकली हैं। इनके साथ एक रोबोट भी है जिसे अपने टारगेट तक पहुंचना है। उन्हें यहां से हथियारों का बड़ा जखीरा मिला है। आपको बता दें कि 26/11 के हमले के बाद शायद पहली बार एनएसजी कमांडो आप इस तरीके से देखे हों। जांच एजेंसियों को तलाश है उस शख्स की जिसे संदेश खाली का दूसरा शेख बताया जा रहा है। इन हथियारों के जखीरे की हकीकत अगर किसी को पता है तो इस ई रिक्शा चलाने वाले अबू तालिब को, जो अब तक गायब है लेकिन उसकी तस्वीर सामने आ चुकी है। लेकिन जी न्यूज की टीम अबू तालिब मौल्ला के घर तक पहुंच चुकी है। यहाँ सीबीआई टीम कल ही पहुंची थी। आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये घर अबू तालिब का है और अबू तालिब जो ई रिक्शो चलाता था, और जब शाहजहां शेख के जो केस है, जो ईडी के ऊपर हमला हुआ था, शाहजहां शेख के घर में जब छापेमारी हो रही थी, उस वक्त जब ईडी के ऊपर हमला हुआ था, उस केस की तफ्तीश के लिए, जांच के लिए जब सीबीआई की टीम शुक्रवार यहां पर पहुंची, तो सीबीआई की टीम को यहीं पे ये राइट में ये जो बेडरूम है यहां पर उन्हें कुछ संदेह हुआ, और संदेह होने के बाद वो यहां पर कुछ मिस्त्री लगा के मिट्टी को खोदने लगा। हैरानी इस बात की भी है कि मामूली सा एक ई रिक्शा चलाने वाला अबू तालिब आखिर इतने बड़े हथियारों के जखीरे का क्या करने वाला था। सवाल ये भी है कि क्या अबू तालिब कोई बहुत बड़ी देश विरोधी साजिश का हिस्सा था। आखिर इतने हथियारों का जखीरा इकट्ठा करने के पीछे उसकी क्या मंशा थी। संदेश खाली के खलनायक शाहजहां शेख से उसका क्या नाता है, और अब तक वो कहां गायब है। सवाल ये भी है कि क्या कोई बड़ा टेरर लिंक भी इस मामले में जुड़ा हुआ है। यहाँ पर नदी के ऊपर वो सीमा है जहाँ पे भारत और बांग्लादेश विभाजित होता है। क्या बांग्लादेश के रास्ते से कोई टेरर लिंक यहाँ पर है, ये भी एनआईए की तरफ से प्राइमरी एक जांच किया जा रहा है। संदेश खाली में रहने वाले आम लोग हों या फिर यहाँ पुलिस प्रशासन, कुछ भी साफ नहीं बता पा रहे। आपको बता दें कि शुक्रवार को संदेश खाली के खलनायक शाहजहां शेख के घर में सीबीआई और एनएसजी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी थी। जांच एजेंसी के 10 सदस्यों की टीम ने मल्लिकपाड़ा के तृणमूल पंचायत सदस्य हफीजुल खान के रिश्तेदार अबू तालिब मुल्ला के घर पर छापेमारी की। इस दौरान एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को भी पहुंचना पड़ा। उन्होंने एक रोबोट की मदद से इलाके की छानबीन की। इसी रोबोट की मदद से चौंका देने वाले खुलासे भी हुए हैं। टीम के साथ बम डिफ्यूज करने वाला दस्ता भी था। रोबोट को छिपाकर मकान के अंदर भेजा गया था। कुछ ही देर में रोबोट एक झोला लेकर बाहर आया। इसके बाद एनएसजी की टीम ने रेत के बोरे डालकर उस झोले को रखा। फिर एनएसजी का बम निरोधक दस्ता वहां पहुंचा और एक एक कर सभी बमों को निष्क्रिय कर दिया। हम जब यहाँ पे स्थानीय लोगों से बात कर रहे थे तब हमें पता चला कि हफीजुल खान जो इस इलाके का पंचायत सदस्य है, तृणमूल कांग्रेस से है। जांच एजेंसी ने यहाँ से 3 विदेशी रिवॉल्वर, 348 गोलियां, 1 देसी रिवॉल्वर, 1 पुलिस रिवॉल्वर, 1 देसी कट्टा और विदेशी पिस्टल भी बरामद किया है। इस बीच जी न्यूज की टीम उस जगह पहुंची जहां केंद्रीय जांच एजेंसी कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर पीड़ितों के बयान दर्ज कर रही है। दरअसल इन लोगों की जमीनें हड़प ली गई थी। शाहजहां शेख की जो टीम है, जियाउद्दीन और बहुत सारे उनके जो एसोसिएट है, उन लोगों ने इस जमीन को हड़प लिया। और आप देख सकते हैं इस वक्त सीबीआई की टीम यहां पे पहुंचे हैं। जो यहां के गांव वाले हैं उनकी जो एलिगेशन है वो सुनने के लिए यहां पे सीबीआई की टीम यहां पे पहुंचे हैं। आपको ये भी बता दें कि ईडी की टीम पर हमले के मामले में सीबीआई संदेश खाली पहुंची थी। संदेश खाली से प्याली मित्रा और सौमित सेन गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको बताते हैं कि अबू तालिब कौन है। अबू तालिब जिसकी तलाश की जा रही है उसका पूरा नाम है अबू तालिब मोल्ला। संदेश खाली के मल्लिकपाड़ा में पिछले 5 साल से रह रहा है। यहां उसका रिश्तेदार हाफिजुल भी रहता है। आपको बता दें कि हाफिजुल टीएमसी के टिकट पर पंचायत का सदस्य बना था। सूत्रों के मुताबिक शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद से अबू तालिब किसी को भी अपने इलाके में दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी ओर अब अबू तालिब का सच बाहर आने से यहां के लोग भी दहशत में आ गए हैं।